हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। यहाँ पर हम इस चैप्टर के सभी बेसिक कंसेप्ट और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, जिनके हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आप बिना शॉर्ट ट्रिक्स के पूरे पेपर को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और साथ में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद आपको इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे, और वो प्रैक्टिस सेट आप कॉर्नर का आई बटन दबाकर बाद में देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको बता दें समीकरण से मतलब क्या होता है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल से मतलब होता है एक्स, या कांस्टेंट से मतलब होता है नंबर से। जब इनको हम आपस में मिला देते हैं ऐसे 2x या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो कहलाता है वो एक्सप्रेशन कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। और इसके इक्वल में अगर हम कुछ रख दें, जैसे 1 रख दें या 2 रख दें या 0 रख दें, तो ये जो बनती है वो कहलाती है समीकरण। ठीक है, अब समीकरण भी हमें कौन से पढ़नी है, द्विघात समीकरण। तो ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो मैक्सिमम कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 है, उसे हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, x की जितनी पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, जिसे हम इस x के मान भी कहते हैं। तो ए बी सी, ए कहलाता है x स्क्वायर का गुणांक, b कहलाता है x का गुणांक, और c कहलाता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे इसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही इसके रूट्स होते हैं। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे, एक मान लीजिए अल्फा और दूसरा बीटा। तो इसके 2 रूट्स होंगे, और यहाँ पे इन रूट्स को हम एक्स के मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स के मान या वैल्यू ऑफ एक्स। इनको हम जीरोज, पॉलीनोमियल्स वाला जो चैप्टर था वहाँ पर हम इनको जीरोज भी बोलते थे। तो इसको एक्स जीरोज भी बोल देते हैं, और इसको हम रूट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या 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 बोलते हैं, इसको रूट्स बोल देते हैं, जीरोज बोलते हैं, एक्स के मान बोल देते हैं, वैल्यूज बोल देते हैं। तो कई नामों से इसको हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बराबर में बेल का आइकन भी आएगा, इसको भी दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टोराइजेशन और शॉर्ट ट्रिक। देखिए, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इसके तो एक तो है फैक्टोराइजेशन मेथड, ठीक है, दूसरा है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, और इसका फैक्टोराइजेशन मेथड भी है। तो फैक्टोराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, हम स्प्लिट करके, जैसे मान लीजिए हमारी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम जो स्प्लिट पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इसको स्प्लिट करके यानी कि ट्राइनोमियल मेथड से भी इसके फैक्टर हम निकालते हैं। दूसरी एक होती है शॉर्ट ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि इसकी सहायता से हम जो इसके रूट्स हैं, इसके जो एक्स के मान हैं, इसके जो जीरोज हैं, किसको हम शॉर्टली निकाल सकते हैं। तो इसको मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, मान लीजिए इस टाइप की इक्वेशन है, मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन है वो इस टाइप की है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन है। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसे निकालने के लिए, देखिए कंडीशन इस टाइप की हो सकती है। इसके चार फॉर्म होते हैं, हो सकते हैं, वो निर्भर जो करता है पूरा इस पर निर्भर करता है, यानी कि ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। देखिए, अगर ये प्लस है तो हमें सम लाना है, सम लाना, सम क्या लाना, यहाँ पे इसका सम करना, इस तरह से सम करना कि ये बी बन जाए। और अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमें डिफरेंस लाना, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट वाला नंबर है बस इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये प्लस है तो सम करके ये बी लाना है, और अगर ये माइनस है तो डिफरेंस करके लाना, यानी कि माइनस में माइनस करके लाना, प्लस में प्लस करके लाना। सीधी पहचान है कि प्लस में प्लस करके लाना है और माइनस में माइनस, बस इसको फोकस रखना है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिंबल है उसके विपरीत साइन लगा देने,
जो भी इसका बड़ा रूट होगा इसका अपोजिट साइन यहाँ पर लगा देना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है और इसके आधार पे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक इस टाइप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, एक तो ये हो सकता है ठीक है, और दूसरा है इस टाइप का हो सकता है एक्स स्क्वायर, इसका जो प्लस या यहाँ पे माइनस हो सकता है ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लस है तो प्लस रख के लाना हमें ठीक है, तो दो प्लस रख के दो प्रकार से आता है, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। तो इसके जो रूट्स होंगे तो वो होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके जो रूट्स होंगे एक तो अल्फा लेंगे और दूसरा बीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन निर्धारित करना, तो यहाँ पर जो ये प्लस है तो इसका मतलब ये कह रहा है प्लस रख के लाना, तो प्लस रख के लाना है तो अगर यहाँ पर प्लस है ठीक है तो यहाँ पर दोनों माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान दें यहाँ पे प्लस है तो दोनों प्लस करके लानी या माइनस करके लानी ठीक है, और कैसे होंगे अगर ये वाला प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएंगे दोनों के, अगर यहाँ माइनस लगा तो दोनों के प्लस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी केस ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस का सी ठीक है, ये हो सकता है, या दूसरा हो सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस के सी। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करके लाना, तो इसके जो रूट होंगे दोनों तो माइनस करके कैसे आ सकते हैं, माइनस करके जो आ सकते हैं अपोजिट साइन लेना पड़ेगा तभी तो माइनस करेंगे, तो एक प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके लाना है ठीक है, अब माइनस करके, अब यहाँ पर देखिए प्लस दे रखा है तो पहला वाला आपको बड़ा वाला जो है वो माइनस में लेना ठीक है, और दूसरा वाला कैसा ले लेंगे प्लस में ले रखा, अगर यहाँ पर माइनस दे रखा अपोजिट साइन लिखना, जो बड़ा वाला है वो प्लस में रखेंगे और छोटा वाला वो माइनस में रहेंगे। तो इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है और हम इसको शॉर्टली सोल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ली एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स प्लस के टू इक्वल टू जीरो, ये ले ली देखिए। अब मुझे इसको सोल्व करना, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस करके लाना, तो यानी कि इसका जो अल्फा हो जाएगा और बीटा यानी इसके जो मान हो जाएंगे, देखो ये आने वाले आंसर ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या प्लस, तो दोनों प्लस करके लाना, अब प्लस करके इसके चिन्ह के विपरीत लेना, ये माइनस है तो दोनों भी प्लस के आएंगे। अब ऐसे इसके इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गई मल्टीप्लाई दो। अब इसके ऐसे टुकड़े कर दो कि जोड़ के तीन आ जाए, तो जोड़ के तीन कैसा आएगा, बड़ा हमेशा ऊपर रखेंगे छोटा नीचे ठीक है, तो दो और एक, तो इसका आंसर कितना आ गया दो और एक आ गया ठीक है। तो अब देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है कि ये है टू एक्स स्क्वायर प्लस के सेवन एक्स और माइनस के 15 ठीक है। अब ध्यान समझना, देखिए हमारा हमने क्या कहा था इस पर फोकस करना, तो यहाँ पर जो सिंबल है वो कैसा है माइनस का है ठीक है, हमने कहा था पूरा आपको इस पर फोकस रखना। अब ये माइनस है तो माइनस करके लाना, इसके जो दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब क्या करना माइनस करके लाना ठीक है। तो माइनस कैसे होगा, या तो एक प्लस होगा या एक माइनस, या एक माइनस या एक प्लस। अब कैसा चिन्ह रखना हमने ऊपर वाले का, यहाँ पर हमने बताया था यहाँ पर जो चिन्ह है उसका विपरीत लिखना, ये माइनस का रखना और ये प्लस का। अब क्या करें, पहले तो इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 30, ये चूँकि मैं दोबारा दिखा देता हूँ तो दोबारा लिख देता हूँ इसको, इसको टू एक्स स्क्वायर प्लस के सेवन एक्स और माइनस के 15 इज इक्वल टू जीरो। तो हमने जैसा कि अभी आपको बताया था कि हमारा जो फोकस रखना है वो इस वाले सैम्पल पर रखना है, तो यहाँ पे जो इसके रूट होंगे अल्फा और बीटा तो कैसे होंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब माइनस करके लाना, तो एक प्लस का करना एक माइनस का, या एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो वो कौन बताएगा ये बताएगा। देखिए पहला आप रखिए माइनस का क्योंकि इसका अपोजिट चिन्ह रखना है, दूसरा रखिए प्लस का। और अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा माइनस करके लाओ, और माइनस तभी होता है जब अपोजिट साइन हो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह जाएगा 30। अब 30 के क्या टुकड़े करें कि सबट्रैक्ट करके 7 हो जाए, तो ये हो जाएगा 10 या 30, तो बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला नीचे लीजिए। तो कि इसके अब यहाँ पे एक काम और करना, बस आपको अगर इसका जो कोएफिशिएंट है इसको अपोन में और लिख देना ठीक है। कोएफिशिएंट नहीं है तो कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की, लेकिन अगर कोएफिशिएंट है ये वाला तो इसको अपोन में लिखना आता है, तो इसके आंसर -5 और ये आ गए 3/2। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से इसको बोइंटो सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें कोई इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधराचार्य रूल,
तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो, इसका जो सॉल्यूशन है एक तो हम स्प्लिट मेथड से करते हैं, दूसरी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, अगर इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं तो हम सीधाचार्य सूत्र की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हेल्प से उसके भी फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके जो हम सिंपल तरीके से यानी स्प्लिट करके नहीं कर पाते हैं, तो सीधाचार्य सूत्र से कर सकते हैं। और सीधाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसे प्राप्त करने के लिए पहले तो यहाँ से ए से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही ए से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपोन ए एक्स प्लस के सी अपोन ए, और उसके बाद इसे हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का रूल ये होता है कि बी इसके एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे और आधे ही इसमें माइनस कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो सोल्व होके जो आएगा वो एक्स इजिकल टू ये आ जाएगा। तो यही कहलाता है सीधाचार्य का सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो इसको हम बोलते हैं सीधाचार्य फॉर्मूला फोर ए सी। तो अब देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला होता है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या व्यक्तिगत। अब इसी के बारे में हम पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, जो समीकरण होती है हमारी, जो हमारी समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स का गुणांक है, बी जो है वो एक्स का गुणांक है, और सी क्या है यहाँ पर अचर पद है। तो यहाँ पर रख के हम आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने जैसे बताया था जो सीधाचार्य का सूत्र होता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इसे जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसका जो पहला वर्ड है डी इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, तो इसे क्या बोलते हैं हम व्यक्तिकर बोलते हैं। और इस व्यक्तिकर की सहायता से हम इस समीकरण की जो नेचर है वो हम बता सकते हैं कि इसकी जो नेचर है वो किस प्रकार की है। अब देखिए नेचर हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो नेचर हम वो इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो डी है ज़रा ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पे डी ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आती है तो उसके जो रूट होते हैं वो इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डी क्या हो जीरो से बड़ा हो, यानी यहाँ पर जो वैल्यू वो जीरो से कैसी आए बड़ी आए। देखिए इसकी जो वैल्यू क्या है जी जीरो से बड़ी आए, तो जब बड़ी आएगी तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लोगे तो एक अलग मान आएगा, माइनस चिन्ह लोगे तो एक अलग मान आएगा। तो यहाँ पे जो एक्स के मान होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे अलग अलग और वास्तविक, ठीक है, कैसे होंगे अलग अलग और वास्तविक, यानी कि डिफरेंट एंड रियल, ठीक। और दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाए, क्या जाए डी इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, अगर जीरो होगा तो ये पोर्शन पूरा यहाँ से हट जाएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो क्या होंगे दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों कैसे हो जाएंगे समान हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है डी लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा होता है तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ही माइनस में हो जाएगा, तो मूल हो जाएंगे काल्पनिक। कैसे, यानी एक्स के जो मान हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे काल्पनिक, कब होंगे काल्पनिक, अगर डी जो है वो जीरो से छोटा है, ठीक है। अब देखिए इसी को हम और द्वारा आपको सही से बता देते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन की जो नेचर है वो किस पर निर्भर करती है डी पे, यानी डी इज इक्वल टू किस पे वी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी पे, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो डी अगर जीरो से बड़ा है तो कैसे होंगे मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, कैसे वास्तविक और कैसे अलग अलग, ठीक है। और अलग अलग क्यों होंगे ये हमने बता दिया, अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि डी की वैल्यू जब जीरो से कुछ बड़ी होगी तो प्लस चिन्ह लोगे तो एक अलग वैल्यू आएगी, माइनस चिन्ह लोगे तो एक अलग आएगी। अगर डी इज इक्वल टू क्या है जीरो है तो इसमें डी वाला प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं रहेगा, तो वह कैसे रहेंगे मूल वास्तविक रहेंगे और समान हो जाएंगे, अलग अलग न रहेगा कैसे हो जाएंगे समान, ठीक है। तीसरा हो सकता है डी लेस देन जीरो, अगर डी लेस देन जीरो है तो मूल कैसे हो जाएंगे इसके काल्पनिक, यानी इमेजनरी रूल हो जाएंगे, ठीक है। वास्तविक को हम रियल और अलग अलग डिफरेंट समान को इक्वल, और इमेजनरी काल्पनिक, ठीक है, इमेजनरी हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे डी जीरो जीरो इमेजनरी या काल्पनिक। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं और उनके रूट्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी जो कहलाते हैं कोफिशेंट कहलाते हैं। और मान लीजिए इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। रूट का मतलब होता है एक्स के मान, एक्स के जो मान होते हैं वो रूट कहलाते हैं, और ए बी सी जो कहलाते हैं कोफिशेंट। तो इनमें आपस में जो रिलेशन होता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि इनका जो योग होता है, मूलों का योग और दूसरा मूलों का गुणनफल। कोई भी जो इक्वेशन स्टार्ट होती है वो प्लस से स्टार्ट होती है, तो प्लस माइनस चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो, ठीक है। तो मूलों का योग जो होता है बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी अपॉन प्लस का, यानी माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये भी प्लस है, प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस, तो ये माइनस का बी अपॉन ए और फिर प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, ये कहलाएगा मूलों का योग और गुणनफल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। अगर हमें रूट्स दे रखे हैं तो उनसे किस प्रकार से इक्वेशन निकालते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला, अगर मान लीजिए एक मूल दे रखा हमें अल्फा और दूसरा दे रखा है बीटा, ठीक है। अब हमें जो है इनसे क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए जो अल्फा होगा पहले माइनस में ले जाएंगे ऐसा करके, इधर जो बीटा होगा उसको माइनस में ले जाएंगे, ठीक। अब करना क्या, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसी तरह से अगर थ्री रूट्स दे रखे हैं तो उनकी भी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन निकल के आ जाती है। दूसरा है एक फॉर्मूला भी, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टाइप की इक्वेशन आती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो हम इसकी हेल्प से भी डायरेक्ट इक्वेशन, यानी मूलों का जो योग है वो कहलाता है एक्सा कोफिशियंट, और जो मूलों का गुणनफल है वो कहलाता है अचर पद, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म। तो मूलों का योग यहाँ पर रख दें और गुणनफल यहाँ रख दें तब भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है फॉर, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, देखिए फॉर ट्रिक टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन रूट आर गिवन। अगर हमें रूट दे रखे हैं और हमसे इस तरह कहा जाए कि एक रूट इस समीकरण के ये हैं अल्फा बीटा और एक दूसरी समीकरण निकालो जिसके रूट डिफरेंट हैं, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे निकालेंगे इसका हम पूरा तरीका आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसको आपको बताएंगे कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब देखिए इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम किस प्रकार से शॉर्ट में इसको पता लगा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है, अगर हम इसको सीधे तरीके से करेंगे तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी हेल्प से करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फा बीटा इसके रूट हैं, हुज रूट्स आर ये। तो अब हमें एक दूसरी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट ये वाले हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, तो इसे करने के लिए एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हमें जो माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स और प्लस के टू। इसके स्थान पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लें, कोई भी आप इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक मान लें। अब यहाँ से देखिए इसके हम रूट निकालते हैं अल्फा और बीटा, वो मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। तो एक हमने समीकरण क्या ली, एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स और प्लस के टू, ये ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए ऐसी, और यहाँ से इसका रूट निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा कितना होगा, यहाँ देखिए अल्फा होगा, अभी हमने बताया था अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे जो है प्लस करके लाना, और प्लस करके क्या लाना, इसके अपोजिट साइन। तो इस अपोजिट साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो ऐसे टुकड़े दो के जो इनका जोड़ के थ्री आए तो क्या हो जाएंगे, टू और वन। तो ये इसके रूट हो गए, हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। और यहाँ से अब इसके अगर हम कंपेरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर कितना जाएगा, वन आ जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा माइनस का थ्री, और सी बराबर हो जाएगा टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से खेल चालू होता है। अब जो रूट दे रखे हैं हमें, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला रूट क्या दे रखा है, अल्फा प्लस के वन अपॉन बीटा, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा की जगह रख देंगे हम जो अभी हमने निकालना टू, बीटा की जगह रख देते हैं, बीटा की जगह निकालना वन अपॉन वन, तो ये 16 का आ गया थ्री। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं, दूसरा हम निकालेंगे अल्फा, दूसरा क्या है यहाँ पे बीटा, दूसरा है बीटा, बीटा प्लस के वन अपॉन अल्फा। तो बीटा प्लस के वन अपॉन अल्फा निकालेंगे, तो बीटा के स्थान पर है यहाँ पर वन, अल्फा के स्थान पर है वन अपॉन टू, तो 16 का जाएगा थ्री अपॉन, ठीक है। तो अब हम इससे जो है इक्वेशन निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इससे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का, क्योंकि हमें सम चाहिए। तो सम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 और 3/2 जोड़ कर जाएगा 3, ये मान लीजिए 1.5 और 3 हो गया 4.5। 4.5 होता है 9 का आधा, यानी कि 9/2। प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9/2, ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम जो है इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इनकी हेल्प से जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी सम, 9/2 × x प्लस क्या होता है मूलों गुणनफल, यानी कि 9/2 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या आ गई, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनी है हमारी 2x² माइनस के 9x और प्लस के 9, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है जो ए बी सी की वैल्यू ये वाली, इसमें रखते चले जाइए ऑप्शन में, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करके, जिस ऑप्शन में रखने से ये आंसर आ जाए, ठीक है, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ही हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले देखिए ए के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे 1 और बी के स्थान पर कितना रखें, सी के स्थान पर रखेंगे 2। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 2x² आ जाएगा, 2x² इसके अंदर आ रहा है। ठीक, दूसरा वाले में क्या है, ए प्लस सी इंटू बी, तो ए प्लस सी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 - k 1 और ये हो जाएगा ए प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा 3 और 3 3 9, देखिए 9 इसमें आ रहा है, इसमें रखा। फिर उसके बाद इस वाले में रखेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह क्या रखा हमने 1 रखा और सी की जगह रखा कितना रखा 2, तो 2 और 1 3 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी कि ये पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है पहला वाला ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो गया वो पहला वाला ही हो गया। अगर ये नहीं करता है तो फिर हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले वाला ही कर गया, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा और चौथा इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी शॉर्टली कर सकते हैं बड़े आराम से। अब देखिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे और वहाँ भी क्वेश्चन जितने भी करेंगे हम इन जो हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इनका ही यूज करेंगे। अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो अब देखिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ ये आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा को ये ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α β, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2α β। जब इसका फॉर्मूला सोल्व करेंगे तो सोल्व होकर ये जाएगा, इस तरह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को ये लिखेंगे, तो ये आप लर्न कर लीजिए, ये आपके जो है काम के हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ये ले सकते हैं, और अल्फ़ा की 4 + β^4 को हम इस तरह से ले सकते हैं, और अल्फ़ा की 4 - β^4 को इस तरह से। तो इनकी भी हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए कॉमन रूट्स, अब आता है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें दो समीकरण दे रखी हैं, x² + bx + c = 0, और मान लीजिए एक दूसरी समीकरण दे रखी है a·x² b·x + c·0। ठीक है, अब अगर कोई किसी समीकरण का कॉमन रूट है, कॉमन रूट में ये दो बातें हो सकती हैं कि दोनों कॉमन रूट हैं या एक कॉमन रूट है। अगर एक कॉमन रूट है तो हम इनको बीजगुणमिति, यानी कि उस कॉमन रूट को यहाँ एक्स के प्लेस पर रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कॉमन रूट है यहाँ पर -x = 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनके कोएफिशिएंट है सर के, देखिए यहाँ पर आ जाएगा bc- और ये हो जाएगा b·c। दूसरे वाले के लिए ये वाला दूसरा वाला छुपा लेंगे, तो यहाँ पे ac- कुछ यहाँ पे ये प्लस करके यहाँ पर ऑपोजिट कर देते हैं, बात एक ही होती है a-c, और वन के नीचे फिर तीसरा वाला छुपा लेंगे, ये वाला ab-, इसकी सहायता से हम ab- और a- ये आएगा ab- - a-b, ये आएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इसमें एक प्रतिबंध निकाल लेते हैं। अगर दो कॉमन रूट है, यानी कि इक्वेशन जो दे रखे दोनों रूट कॉमन है, यानी कि पहली इक्वेशन ax² + bx + c = 0, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी a·x² + bx + c = 0, अगर दोनों रूट कॉमन है तो ये कंडीशन होगी, ए इनके जो a·a′ = b, इनके जो रेशियो रूट्स होंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे वो सेम रेशियो होगा उनका। ठीक है, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे अगर दोनों रूट्स कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम प्रतिबंध निकाल लेंगे।
तो यहाँ तक मैंने ये आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी है, और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, और हम शीघ्र ही इसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हमें जो है समझने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो शीघ्र ही मैं अभी तक मैं मोबाइल से अपनी सारी वीडियो बना रहा था, अब मैं शीघ्र ही लैपटॉप का यूज करने वाला हूँ, और उसके हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाला हूँ। आपको आगे भविष्य में जो है जो वीडियो मिलेंगे उसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम राइटिंग संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।